बिलासपुर के मुंगेली नाका पेट्रोल पंप के सामने से लेकर आयुक्त के बंगले तक गलत तरीके से बनाए गए नवनिर्मित नाली के माध्यम से पूरे क्षेत्र में हो रहे जलभराव तथा गलत तरीके से हुए इस नाली निर्माण होने के विरोध में वार्डवासियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान पूर्व पार्षद कमल जैन ने बताया कि इस नाली निर्माण का विरोध पहले भी हम मोहल्ले वालों के साथ कर चुके हैं। इसके नाम से हमारी ठेकेदार से भी लड़ाई हो चुकी है। हमने लगातार इस निर्माण को उचित ढंग से कराने की मांग की है, उसके बावजूद भी इस नाली का निर्माण गलत तरीके से किया गया है, जिसके कारण समस्या आज भी बरकरार है। इस दौरान उन्होंने गलत तरीके से बने इस नवनिर्मित नाली का निर्माण इसे तोड़कर उचित ढंग से करने की मांग की है। पूर्व पार्षद कमल जैन ने बताया कि स्विमिंग पूल से पानी छोड़ने की वजह से कुदुदंड क्षेत्र की नालियों में पानी अत्यधिक मात्रा में आने के कारण रोड पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इससे अधिकारियों को अवगत कराया गया है। यदि जल्द ही इसका निराकरण नहीं हुआ तो आयुक्त को ज्ञापन सौंपा एवं विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये समस्या आज का नहीं है, ये पिछले 10 सालों से वैसे ही है और दो बार ये नाली बन चुकी है। ठेकेदार द्वारा इस नाली को बनाया गया है और ये नाली जिस कारण से बनाई गई थी, ये नाली क्या है ना, स्विमिंग पूल पानी छोड़ता है और उसके अलावा भी क्या है, बारिश में और अदर टाइम में भी नाली जाम होता है, भर के रोड में आ जाता है। तो इसको नाली को नया इसलिए बनवाया गया था कि पानी का निकासी सही से हो, और आगे हमारा पर्याप्त ढाल है नाली का सर्किट हाउस के पास से। ये नाली को एकदम ऐसा बना दिया है गया है कि पानी बहता ही नहीं, पानी बह के भर के रोड में आता है। दोषी ठेकेदार है, नगर निगम के इंजीनियर ठेकेदार हैं। ये नाली को यहाँ से यहाँ जोड़ दें सीधा सीधा तो ठीक हो जाएगा। नाली का ढाल अगर ठीक से बनाया जाए तो पानी पर्याप्त तो बहेगा, क्योंकि आगे सर्किट हाउस के आगे कुदुदन का जो ढाल है वो पर्याप्त ढाल है। आप इस यहाँ से मुंगेली नाके से थोड़ा सा आगे तक अगर ढाल सही बना देंगे तो पानी बहेगा आपका क्लियर। आपका परिचय दें। रेहान रजा, जनप्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 16। ये नाली जब बन रही थी उस समय इस मोहल्ले के लोग, मैं, हमारी विशेष पार्षद थी, उस समय हम लोग बोले थे कि ये नाली इधर ना लेके स्विमिंग पूल का पानी उस तरफ निकाला जाए, पर उस समय भी निगम वाले लोग नहीं माने और यहीं पानी को लाए, और नाली का कोई ढाल नहीं है। नाली बनते समय एक बार पूरा रुकवाए थे, मोहल्ले वालों से लड़ाई झगड़ा हुआ था ठेकेदार का, उसके बाद फिर वही कि नाली को ठेका दे दिया गया, हम लोग रुकवाए थे, ठेका निरस्त करवाए थे, महापौर जी खुद यहाँ पर आए हुए थे। उसके बाद वो नाली फिर से बनी और ज्यों का त्यों बनी कि स्विमिंग पूल का पानी रोड में आता है ना, नाली बनने का कोई फायदा, और रोड जो बनी थी वो रोड भी पूरी खराब हो रही है, आने जाने वालों को अलग तकलीफ होती है। तो इस पर क्या है, मतलब इसका निराकरण कैसे होगा? इसका निराकरण आयुक्त के पास हम लोग मोहल्ले वाले को देख में जाऊंगा, सारे मोहल्ले करेंगे, और इस नाली का जो ठेकेदार है वो फिर से इस नाली को बनाए, कोई टेंडर नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर से उसको नया बनाना पड़े इस नाली को। है ये पानी आज से 5 साल 7 साल 8 साल से ऊपर हो गया, नाली 4 बार 5 बार बन चुका है। मेन नाली का जो गहराई है उसको आगे में ठीक करते नहीं है, इन लोग यहाँ रिपेयरिंग करते हैं, और आए दिन जहाँ सिलिमपुर चालू होता है पानी सफाई होता है तो पूरा पानी रोड में आता है। आम जनता बहुत परेशान हो गई इस पानी से रोड में। मैं सर नाजिम खान बोल रहा हूँ, कुडूडन में रहता हूँ, और आए दिन चौक में बुजुर्ग लोग गिरते रहते हैं इस पानी से, कोई छीटा से कोई लड़ाई झगड़ा होते रहता, कोई मोटरसाइकिल निकाल देता भगाते हुए लड़के लोग, यहाँ बहुत मतलब विवाद हो रहा है। अब पूरा लेटरिंग नाली का पानी यहीं आ रहा है, इसी में गिर रहा है। ये नगर निगम का जो सुलभ बना है ये नाली में आता है पानी, और वही पानी सलीमपुर का जब बहता है तो पूरा रोड में आ जाता है पानी। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट। जय हनुमान एल्यूमिनियम। प्रगति टावर के सामने बहतराई रोड बिलासपुर। हमारे यहाँ एल्यूमिनियम के पार्टीशन, सेक्शन गेट, जाली, बॉम्बे स्लाइडिंग, थ्री स्लाइडिंग, ग्लीचिंग गेट, चौखट आदि का कार्य उचित मूल्य पर प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें 9479088749584 9589051800। जय हनुमान पूजा सामग्री स्टोर। हमारे यहाँ लाल चंदन, हवन सामग्री, नवग्रह लकड़ी, घी, शहद, गंगाजल, कपूर एवं सुगंधित अगरबत्ती उचित दर एवं विशेष छूट पर पूजा की सभी सामग्री उपलब्ध है। विशेष छूट का लाभ अवश्य उठाएं। संपर्क करें 9479088749
9589051800।